हे फ्रेंड्स, आपको फिर से एक बार और स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपको मुंबई से अलीबाग जाना है तो आप दो रूट चूज़ कर सकते हैं, एक बाय रोड जो कि है अराउंड 200 किलोमीटर्स और एक है बाय सी मतलब बाय वाटर। तो स्वागत है आपको M2M फेरीज में। अभी ये फेरी आ रही है तो ये अलीबाग से जितने पैसेंजर और व्हीकल्स लाए होंगे अभी वो यहाँ पे अनलोड होंगे। तो ये सब बोर्डिंग पास है और इस पर इन्फॉर्मेशन क्या है, टाइमिंग है और सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, डेट है और कौन से डेक के लिए हमारा बुकिंग है वो लिखा हुआ है और वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये बैंड दिया हुआ है, उस पर भी टाइमिंग लिखा है एंड डेट का स्टैम्प है। ये बैंड अभी हमें हाथ पे पहनना है। तो ये फेरी से आप खुद जा सकते हैं, आप अपने कोई भी व्हीकल हो, वेदर कार, बाइक, साइकिल, अपने पेट्स भी लेके जा सकते हैं, बस, ये सब लेके जा सकते हैं आप मुंबई से अलीबाग। अलीबाग जाने के लिए ये आपको छोड़ेगा मांडवा जेटी पे और वहाँ से आप अपना पर्सनल व्हीकल ड्राइव करके आप कोकण जा सकते हैं, अलीबाग जा सकते हैं। तो मुंबई में ये फेरी निकलती है, एक लोकेशन है भाऊचा धक्का, इसका जो लोकेशन है गूगल लोकेशन और एड्रेस जो है ये डिस्प्ले हो रहा है नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका टाइमिंग जो है एक तो है 7 बजे, उसके बाद 10:30 इन द मॉर्निंग, देन दोपहर के 1:30 बजे, फिर इवनिंग 4:30 बजे और एक 7 बजे। बट ये टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। आप इसका जो वेबसाइट है M2M फेरीज का, वो वेबसाइट आप विज़िट कीजिए और उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा और वो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो वेबसाइट है www.m2mferries.com। अगर आपको थोड़ा सा भी देर हो जाता है ना तो ये फेरीज छूटने का या तो मिस होने का चांसेस है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जब जिस टाइम का आपका बुकिंग है उससे 1 घंटे पहले आइए और यहाँ पर वेटिंग रूम है, आप वहाँ पर वेट कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। चलो तो इसमें दो टाइप के टिकट हैं, एक तो है 370 रुपीज़ जिसमें कि आपको AC लॉन, फर्स्ट डेक और पार्किंग एरिया ये सब आप एक्सेस कर पाएंगे, और एक है 460 रुपीज़ वाला जिसमें आपको सेकेंड डेक मिलेगा, सेकेंड डेक का एक्सेस मिलेगा, और एक है 1250 रुपीज़ जो आप सुपर AC लॉन एक्सेस कर पाएंगे। और इस फेरी में आपको कैफ़े मिलेगा और वॉशरूम का भी फैसिलिटी है और वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो फोर व्हीलर के जो चार्जेस है वो 1000 से लेके 1700 तक है और साइकिल का जो चार्ज है वो 110 है और बाइक का जो चार्ज है वो 210 है। तो ये हमने अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है। पेट के लिए सेपरेट एरिया है तो वो देखिए डेजिग्नेटेड पेट एरिया लिखा हुआ है और ये डेक्स पे आप पेट्स लेके नहीं जा सकते। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और भी आएंगी और आ रही हैं। और यहाँ से जो समुंदर का जो व्यू मिलेगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा क्योंकि तो ये हम अभी अपने डेक पे आ गए हैं जिसका कि नाम है स्कोडा स्लेविया डेक।
वो जो है वो फर्स्ट डेक है जो नीचे वाला है, और हम अभी है सेकंड डेक पे। देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे, एक लाइन में लगे हुए हैं सारे, तीन चार रो करके। वाव, इट लुक्स वेरी गुड यार। तो यहाँ पे काफ़ी बोर्ड्स भी दिख रहे हैं आगे, और वो जो अटल सेतु जिससे कि हम आए थे वो वहाँ पे भी वो दिख रहा है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं और अभी गाड़ियां निकालेंगे। ये देखिए बाइक वाले सब बैठ चुके हैं बाइक पे, तो अभी गेट खुल गई है, अभी हम चलेंगे बाहर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मांडवा जेट्टी पे। तो एक इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि मान लो अगर आपको M2M जेट्टी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है 350, 460 और 1250, तो आप एक और ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको पर हेड पर पर्सन 150 रुपीज़ लेते हैं, बट उसमें आप व्हीकल ऑफकोर्स नहीं ला सकते और आप सिर्फ पर्सनल ट्रैवल कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से अगर आप जो पर्सनल बोट लेके अगर आते हैं तो आपको 150 रुपीज़ पड़ेगा, और आपको ये बस सर्विस उसमें इंक्लूडेड रहता है, जो प्राइसिंग है उसमें बस सर्विस इंक्लूडेड रहता है जो कि आपको अलीबाग तक ड्रॉप करेगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो कमेंट में मुझे बताइए। और अभी हम पहुंच चुके हैं अलीबाग। अलीबाग में आपको मैं कुछ भी साइट सीन नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारा वो प्लान है ही नहीं, और हम अलीबाग आए क्यों हैं ये भी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।